प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास वाली सरकार हर राज्य हर जिले को ध्यान में रखकर विकास की नई नई परियोजनाओं को पूरा कर रही है। और ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी भी जनता के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी विकास की ऐसी ही वानगी देखने को मिल रही है। हाल ही में भंडारा जिले के लोगों को 532 करोड़ रुपए की लागत वाला नया बाईपास और वैन गंगा पुल दिया गया। जिले में NH-53 पर वन प्राणियों के लिए 363 करोड़ की लागत वाले मिटिगेशन स्ट्रक्चर का काम भी शुरू हो चुका है। और अब गडकरी जी के NHAI की टीम ने साकोली और लाखनी में फ्लाईओवर का निर्माण किया है। साकोली और लाखनी को अरसे से इन दोनों फ्लाईओवर की आस थी। दरअसल नेशनल हाईवे 53 देश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है। इस बेहद अहम हाईवे पर भारी इंडस्ट्रियल ट्रैफिक भी होता है और ये हाईवे साकोली और लाखनी शहर से भी गुजरता है। भारी इंडस्ट्रियल ट्रैफिक की वजह से साकोली और लाखनी के लोगों को दुर्घटना, सड़क जाम और ट्रांसपोर्ट में ज्यादा समय लगने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साकोली और लाखनी के लोगों की इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए दोनों फ्लाईओवरों का निर्माण हुआ है। लाखनी फ्लाईओवर की बात करें तो 3.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनाने में कुल 312 करोड़ रुपए की लागत आई है। फ्लाईओवर के मेन रोड की चौड़ाई शोल्डर और मीडियन के साथ 28.2 मीटर है। 6 लेन की आवाजाही की सुविधा है। साथ ही इस फ्लाईओवर के निर्माण में 7 किलोमीटर की सर्विस रोड है। साकोली फ्लाईओवर की बात करें तो इसकी लंबाई 2.94 किलोमीटर है और इसकी लागत 270 करोड़ रुपए है। इस फ्लाईओवर के मेन रोड की भी चौड़ाई शोल्डर और मीडियन के साथ 28.2 मीटर है। इस फ्लाईओवर में भी 6 लेन की आवाजाही की सुविधा है और 5.88 किलोमीटर की सर्विस रोड है। साकोली और लाखनी दोनों फ्लाईओवर के दूसरे यूनिक फीचर की बात करें तो इन फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन सिंगल पियर स्ट्रक्चर पर किया गया है, जिस पर 28.2 मीटर चौड़ा और 114 टन का सेगमेंट रखा गया है। ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर वाले फ्लाईओवर देश में महज 1-2 ही हैं और इस तरह की फीचर वाला पूरी तरह निर्मित फ्लाईओवर अब भंडारा जिले को मिल गया है। गडकरी जी की हमेशा कोशिश रहती है जल संसाधन का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण किया जाए और इसी वजह से दोनों फ्लाईओवर पर वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। फ्लाईओवरों के सतह पर इकट्ठा होने वाला बारिश का पानी सीधा जमीन में जाएगा, इससे आसपास का ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। गडकरी जी देश को पूरी तरह से जर्क फ्री ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देना चाहते हैं। इसी के तहत फ्लाईओवर पर एक्सपेंशन जॉइंट को ब्लैक टॉपिंग के बाद विशेष तकनीक से बिठाया गया है, जिससे यात्रियों को जॉइंट पर जर्क की समस्या से छुटकारा मिलेगा। फ्लाईओवर के निर्माण से राज्य सरकार ने जो 5 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे वो साकोली और लाखनी शहर के नेशनल हाईवे 53 से हट गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण को रोकने के लिए निचली छोर पर फेंसिंग का निर्माण किया गया है। सुंदरता बढ़ाने के लिए बाग बगीचे लगाए गए हैं और मीडियन में पाम के पौधे लगाए गए हैं। सुंदरता में और इजाफा करने के लिए फ्लाईओवर के पियर पर पेंटिंग और दोनों छोर के पियर जो उद्यान में आते हैं उन पर सुंदर चित्रण किया गया है। फ्लाईओवर के ऊपरी और निचली हिस्सों में लाइट की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि साकोली और लाखनी के लोगों की सुविधाओं के साथ साथ फ्लाईओवर एक तरह से एक्सेस कंट्रोल हाईवे की तरह बन गए हैं, जिससे अब शहर को बाईपास की जरूरत नहीं है। इससे करीब 100 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन की बचत होगी और भूमि अधिग्रहण पर होने वाले सरकारी लागत की बचत होगी। भंडारा जिला गडकरी जी के दिल के काफी करीब है। उन्होंने भंडारा जिला में 215 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं, जबकि पहले केवल 63 किलोमीटर के हाईवे ही जिले में थे। हाईवे और दूसरे सड़कों के विकास के लिए भंडारा जिले को 4326 करोड़ रुपए की निधि गडकरी जी के मंत्रालय से स्वीकृत की गई है और अब गडकरी जी के मार्गदर्शन में साकोली और लाखनी में अपनी तरह का यूनिक फ्लाईओवर बनकर तैयार है।
ऐसे में ये साफ साफ दिखता है कि गडकरी जी अपने लोगों की आवाज और आशाएं न सिर्फ सुनते, समझते और महसूस करते हैं, बल्कि उन आशाओं को पूरी शिद्दत के साथ मुकाम तक भी पहुंचाते हैं। इसलिए तो सब कहते हैं कि गडकरी जी जो बोलते हैं वो करते जरूर हैं।